सौरभ जी, आज खुशियाँ एक तरीके से आप बांट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरीके की क्या क्या व्यवस्था की गई, क्या था आज का पूरा कार्यक्रम? देखिए, कुछ दिनों पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में गया था, जहाँ पे मैंने उनको कहा कि भाई आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये बड़े घरों के बच्चे हैं, प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इन बच्चों के अंदर जो होनी चाहिए वो कंपैशन होना चाहिए। मतलब कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके प्रति उनके दिल के अंदर जो है उदारता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और जब आप अपने बड़े त्यौहार मनाएं, नया साल मनाएं, क्रिसमस मनाएं, दिवाली मनाएं, उन लोगों के साथ भी मनाएं जिनके पास नहीं है। और उसी से एक आइडिया निकला कि एम्स के बाहर जो ये पगोडा टेंट्स हैं, इसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी अस्पताल के अंदर, एम्स के अंदर बीमार हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ बाप जो हैं एम्स के अंदर बीमार हैं, और ये इन सर्दियों के अंदर इन टेंट्स के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। और मुझे खुशी है कि स्कूल को ये अच्छा लगा, और उनकी जो टीम है, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और उनके बच्चे अपनी तरफ से इन छोटे छोटे अपने दोस्तों के लिए केक लेके आए, कपकेक्स लेके आए, और इनके साथ जो है आज इन्होंने क्रिसमस मनाया। मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सुंदर तरीका है, कंपैशन से भरा हुआ है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन बच्चों का कि इन्होंने इतना सोचा और इतना किया। सर, सवाल भी उठे लेकिन इन्हीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिन रैन बसेरे में आप आज आए हैं, ऐसे और भी रैन बसेरे हैं जहाँ पर आपकी जो सुविधाएँ हैं वो पूरी नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये एक बड़ा फेलियर है, ऐसा आरोप भी आप पहले लगे। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ 2014 से पहले कितने रैन बसेरे थे, आज कितने रैन बसेरे हैं, ये कंपैरिजन कर ले। दिल्ली से ज़्यादा दूर उत्तर प्रदेश नहीं है, मात्र 30 किलोमीटर दूर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को न्योता दूंगा, आइए नोएडा चलते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी उतनी ही सर्दी पड़ती है जितनी हमारे यहाँ पड़ रही है। गुड़गांव चलते हैं, फरीदाबाद चलते हैं हरियाणा में, वहाँ देखते हैं रैन बसेरे कितने लगाए गए हैं, उनमें क्या सुविधा दी जा रही है, दिल्ली से कंपेयर कर लेते हैं। सिर्फ सुबह सुबह झूठ बोलने की राजनीति ठीक नहीं है। दिल्ली मुझे लगता है देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे रैन बसेरों के अंदर मुफ्त भोजन दिया जाता है, और अक्षय पात्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया हुआ है, उनको पैसा सरकार देती है, और अक्षय पात्रा साफ और पौष्टिक आहार जो है इन रैन बसेरों के अंदर देता है। सर, दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, और क्या तैयारियां दिल्ली सरकार की? लोग बाहर निकले कल, पूरी दिल्ली में कई जगह ज्यादा लग रहा है कि लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, क्या कोई गाइडलाइन जारी करने का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार से 4 दिन पहले डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से साउथ के जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर थोड़ा नए वायरस का वेरिएंट देखा जा रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ इससे नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर औसतन 400 से 500 सैंपल रोज टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 7 पॉजिटिव केसेस रोज आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि 1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। और आज की तारीख में कुल 4 मरीज जो है दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एडमिट हैं। तो स्थिति पैनिक की नहीं है, मगर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, जो कोमॉर्बिडिटी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जिनको बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई गाइडलाइन जारी की गई है? सर, आपने जो केसेस बताए, क्या ये न्यू वेरिएंट है या न्यू सब वेरिएंट के हैं? इसको हमने जो है जीनोम के लिए भेजा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग बता पाएंगे। कितने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने सैंपल? हम सारे पॉजिटिव जो सैंपल्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी तक ऐसा कुछ है ऐसे टोटल? अभी तक ऐसा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की गाइडलाइंस, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, उन्हीं को हमने आगे भेजा है। केंद्र सरकार का भी मानना था कि कोई राज्य ऐसा कुछ ना करे जिससे अन्यथा जो है पैनिक जो है हम देश के अंदर फैला दें, इसलिए सरकार निगाह बनाए रखी हुई है। हमने अपने यहाँ मॉक ड्रिल अस्पतालों के अंदर करके ये देख लिया है कि व्यवस्था जो है कोरोना को लेके जो है वो पूरी हो। न्यू वेरिएंट का एक भी केस नहीं है अभी, रिपोर्ट अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है,
मुझे लगता है कि न्यू वेरिएंट कोई ऐसा सीरियस वेरिएंट नहीं है कि अगर उसका कोई वेरिएंट का कोई कोरोना का कोई मरीज होगा अभी तो उसके लिए बहुत चिंता की बात है। नए साल पे लोग निकलेंगे तो उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेंगे या सिर्फ आप यही? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं मैडम। जी मैं भूमिका शर्मा और मेरे साथ जालिंदु धमीजा, हम लोग एमिटी इंटरनेशनल स्कूल साकेत से है। मैडम क्या कहेंगे आज इस तरीके से सौरभ भारद्वाज हेल्थ मिनिस्टर और टीचर और बच्चे के साथ आज यहाँ पर आकर गरीब लोगों के साथ मेडिकल? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा जेस्चर है छोटे बच्चों का और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हेल्थ मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज जी का कि उनकी तरफ से एक सजेशन सुझाव मिला हम लोगों को और एमिटी के बच्चों ने इंटरैक्ट रोटरी इंटरैक्ट क्लब स्कूल का एमिटी स्कूल का और हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और जो स्कूल के बच्चे सोच पाए थोड़े से क्रिसमस गुडीज केक्स बिस्किट्स कैप्स विंटर का कुछ सामान हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जाके जो थोड़े से लेस फॉर्चुनेट है हम उनके साथ ये क्रिसमस सेलिब्रेट करें और थोड़ी सी खुशियाँ बांटें। हमारी जो स्कूल के जो बच्चे हैं कौन से क्लास के हैं? जी ये सब ये मिक्स ग्रुप है, कुछ आठवीं के कुछ नौवीं के कुछ ग्यारहवीं के कुछ बारहवीं के सब बच्चे आज जो आप आए छुट्टी का दिन है पर फिर भी ये बच्चे आए स्कूल में और बहुत जोर शोर से इन्होंने इसमें इस उत्साह के साथ उन्होंने इस ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। कौन-कौन थी आपके साथ? जी मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल महोदया मिसेस दिव्या भाटिया, हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम अलका सिक्सेना, हम टीचर्स हम सब और ये करीबन 20 बच्चे हम लोग स्कूल से आए और यहाँ पे हमें आने का मौका मिला और अपनी खुशियाँ इन लोगों के साथ बांटने का मौका मिला। थैंक यू।